नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। राजेश पांडे बोल रहे हैं अयोध्या से। बताइए। ये सर बताइए, जो TGT वाला पेपर होना था, अरे कौन सा TGT? TGT का आज के लगभग 6-7 महीने पहले फॉर्म भरा गया था ना, TGT PGT वाला। 6-7 महीने पहले तो कोई फॉर्म नहीं भरा गया। अब डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन काफी दिन पहले भरा गया था। 2022 में भरा गया था। जी, हाँ। बताइए। तो इसका पेपर वगैरह कब तक कुछ है, मतलब पेपर हो सकता है कि अभी ज्यादा लेट होगा? डेली अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ तो आ रही है अक्सर। नहीं, अखबार तो डेली नहीं पढ़ पाते हैं, दरअसल हमको समय नहीं मिल पाता, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। तो अखबार नहीं पढ़ते हैं तो फिर कहाँ से आपका जो है एग्जाम, तो छोड़िए सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, मालूम है कि नहीं? हाँ, पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब जो है 90% जो होगा वो आपका एग्जाम का नंबर रहेगा, 10% इंटरव्यू का रहेगा, और जो जी एग्जाम होगा उसका जी जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो पूरा चेंज हो रहा है। एक कॉमन पेपर भी होगा, तो मालूम है कि नहीं ये सब आपको? हाँ, ये तो जानकारी मिली थी। तो जब आप जो है सिर्फ जानकारी में ही रहेंगे, पूरी जानकारी ठीक से रखेंगे नहीं कि क्या चल रहा है, लगातार न्यूज आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, वो लेंगे नहीं तो फिर कैसे जो है आप एग्जाम दे पाएंगे समय पर, या एग्जाम में जो है क्रैक कर पाएंगे? नहीं, जानकारी तो रखते हैं, बीचों में कुछ तैयारी चलती रहती है ज्यादा, फिर चूंकि लंबा समय हो गया इस वजह से तैयारी भी बीच भाई में जो लूज हो उसमें गई। उसमें जो एक पोर्शन है आपका, वो जो कॉमन पेपर जो होगा उसमें, कॉमन पोर्शन, उसमें करंट तो जी पूछा जाएगा, और आप पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं तो करंट आप कहाँ तैयार कर रहे हो? बिना करंट के तो क्रैक कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम। ये तो सही है। तो डेली अखबार पढ़ा कीजिए तो दो फायदे होंगे, एक तो आपको जो है वो डेली अपडेट मिलता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो करंट तैयार होगा, और विभाग में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी विभाग लगातार दे रहा है, और वही जानकारी हम भी डालते रहते हैं यूट्यूब पर, आप वो भी नहीं सुन रहे होंगे। नहीं, तो यूट्यूब यूट्यूब पे आप वाला जो वीडियो रहता है काफी लंबा रहता है, तो इतना समय मिल नहीं पाता है कि उसको जो है पूरा सुना जाए, हाँ, कभी कभार जो है। अखबार भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप तो अब कम से कम अखबार ही पढ़ लेते 10 मिनट से पंद्रह आपसे मिनट जुड़े हैं आप, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं उसको हम जो है देख लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं देखे हैं आप? नहीं तो देखे होते तो लगातार जो है पेपर कटिंग वगैरह भी डाले हैं, और जो है इधर लगातार पोस्ट भी शेयर हुआ है। आपको ये तो पता होगा ना कि जो नया शिक्षा आयोग बना है, अब सब कुछ वही कराएगा। SCL जो कुछ करके बता रहे थे आप। खिचड़ी आप पका दिए हैं। HECI वो दूसरा है, यूपी यूपी शिक्षा सेवाचयन आयोग की बात हो रही है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन आयोग था ना, तो अब तो वो भंग हो चुका है। तो भंग हो गया तो एग्जाम कौन कराएगा? जब नया जो बन रहा है यूपी शिक्षा सेवाचयन आयोग, तो जो उसके सदस्यों का चयन चल रहा है, तो चयन हो जाएगा तो वही कराएगा ना अब। बिल्कुल बिल्कुल वही कराएगा। तो चयन के बारे में जो प्रक्रिया चल रही है उसका अपडेट लगातार तो आ रहा है अखबार में, 2-3 बार आ चुका फरवरी में न्यूज की जो है सदस्यों से आवेदन लिए गए हैं और उनका चयन जो है प्रक्रिया जी चल रहा है, उम्मीद है कि फरवरी में आ जाएगा। और आज जो है लगभग अब अंत ही है फरवरी का, आया नहीं तो उम्मीद कीजिए कि जो है तैयार अगर हो गया होगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा, नहीं तो फिर मार्च में हो सकता है शुरुआत में आए। जी तो फरवरी में आने की बात लगातार कही जा रही थी, अभी तक आया नहीं है। जी अगर मान लीजिए मार्च फर्स्ट वीक में आ जाए, तो ये मतलब परीक्षा लगभग कब तक करा सकते हैं, उम्मीद है? जब सदस्य का चयन हो जाएगा तो वो सारे सदस्य जो है फिर मीटिंग वगैरह होते हैं, मीटिंग करेंगे, डिसीजन लेंगे। अभी जूनियर एडिट का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पेंडिंग है, एग्जाम कराना है, तो वो क्या निर्णय लेते हैं कि फिर से टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जो है ओपन करेंगे और लोगों से आवेदन लेंगे, या हो सकता है इसका एग्जाम करा दें, आगे फिर और भर्तियां आती रहेंगी, या जो नया पैटर्न जो है नई नियमावली बन गई है तो पुराना विज्ञापन भले ही पुराना है लेकिन अब जो है जैसे LT में हुआ था कि फॉर्म पहले से भरे गए थे, फिर से ओपन करके नए आवेदन लिए गए और LT वो मेरिट पर था उसको चेंज करके एकेडमिक वो सॉरी एग्जाम कराए। तो हो सकता है कि जो है निर्णय लिया जाए कि जो नया पैटर्न है उस नए पैटर्न पर जो है ये एग्जाम कराएंगे,
नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम कराएंगे, इंटरव्यू भी इसमें लेंगे। तो अब ये मीटिंग जब होगी तब सामने आएगा ना कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। जी, हाँ वही, उसी के बाद तो मान कंफर्म करके हो चलिए कि जो है मार्च में मीटिंग होती है, तो जी। मार्च में वो जो भी डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग अप्रैल या जी मई कम से कम जो है आपको वेट करना पड़ेगा। जी तो मई में होने की संभावना बन सकती है, अगर ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है मई में एग्जाम जी कराएं, और अगर जो है नए पैटर्न पर कराना होगा सब कुछ तो थोड़ा और आगे जा सकता है। जी हमें लग रहा है वो पूरा चुनाव उनाव करा करके लोकसभा वाला, हो उसी के सकता है, बाद। हो जी सकता है। जी वैसे चुनाव तो जो है केंद्र का है ये, और ये राज्य का है, तो चल ही हाँ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो चल रहा तो इस वजह से जो है हमें लग रहा है कि सारे लोग व्यस्त होंगे, तो जो बिल्कुल सदस्य चयन वाला है फाइनल करना वो हो नहीं पाया होगा। जी। तो इसी बीच में जब भी आ जाए तो आप जो अपनी तैयारी रखिए, नए पैटर्न को ध्यान में रख के रखिए, और डेली जी अखबार पढ़िए, क्योंकि करंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नए सिलेबस में जो नया पैटर्न होगा उसमें पूछा जाएगा। जी तो अखबार पढ़ते रहिए, क्या चल रहा है करंट में, करंट से क्वेश्चन रहेंगे, इंटरव्यू में करंट से ही ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इंटरव्यू बिल्कुल कंफर्म है, पहले तो टीजीटी में बीच में खत्म किए थे जी। नहीं, अब तो एकदम 100% कंफर्म हो गया है। साफ साफ राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति में लिखा है कि इंटरव्यू जी डेमो शिक्षक भर्ती का, सभी शिक्षक भर्ती का अभिन्न अंग होगा। जी तो सभी में बात की जा रही है, यानी प्राइमरी लेवल तक लेकर के आएंगे। जी तो नियमावली जारी हो चुकी है, उसमें साफ साफ घोषित किया जा चुका है कि 10% जो नंबर होगा वो जी इंटरव्यू का होगा, 10% कहा गया है। अगर पेपर जो है 200 नंबर का है तो 20 नंबर हो जाएगा, 300 नंबर का है तो 30 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का पेपर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो आप जी कॉमन भी लेकर आ रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट आपका रहेगा टीजीटी या पीएचटी में जो भी है सब्जेक्ट, हाँ वो वो तो सब्जेक्ट रहेगा ही। रहेगा। मान लेते हैं कि 200 प्रश्न रहता है, 80 प्रश्न सब्जेक्ट से आते हैं, तो जी 120 प्रश्न जो है कॉमन रहेंगे, काम रहेगा तो 200 ये हो गया, फिर 20 नंबर और हो जाएगा इंटरव्यू डेमो का। तो जी जनरली डीएसएसबी में या केवी में या नवोदय में जो पैटर्न है, जी 120 प्रश्न पूछे जाते हैं कॉमन और 80 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं सब्जेक्ट के। हाँ, सब्जेक्ट के। हाँ तो हो सकता है ऐसा ही कुछ रूप देखने को मिले। तो जी 120 और 80, अब बताइए किसमें ज़्यादा नंबर है। सब्जेक्ट में तो 80 नंबर है, कॉमन जो है वो 120 नंबर का है। तो एक सौ कॉमन बीस के में लिए आपको तो करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल मैथ सब जी। पर फोकस करना होगा। तो आप करंट तो देख ही नहीं रहे, अखबार पढ़ ही नहीं रहे हैं रोज। अब कॉमन वाले में वही प्रोसेस रखेंगे जो लगभग वो क्या नाम है वो प्राइमरी टीचिंग वाला रखते हैं, चार पांच सब्जेक्ट से आप कॉमन में उठा लीजिए डीएसएसबी का, केंद्रीय विद्यालय जी का, नवोदय विद्यालय का, जो वहां पर कॉमन प्रोसेस होता है सेम वही रहेगा। जी तीनों का देख लीजिए पिछले 5-10 सालों का क्या वहां रहा है, कैसे रहा है, लगभग जी वैसा ही मिलता जुलता सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। जी तो ये मान करके चलिए कि एक लमसम कि 200 प्रश्न रहेंगे, तो 200 प्रश्न, अब एक प्रश्न चाहे जितने नंबर का हो, दो जी सौ प्रश्न अगर रखते हैं तो 80 प्रश्न आपका अपने सब्जेक्ट से हो गया, और 120 प्रश्न कॉमन कर देंगे, जिसमें हो सकता है 10 हिंदी के हो जाएं, 10 जो रखेंगे है अंग्रेजी के हो जाएं, दो भाषा रख दें वहाँ, दो भाषा तो रखेंगे और मिनिमम रखेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा मुझे लगता है हाँ, हिंदी इंग्लिश जी कॉमन ये सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, तो ये तो जी रखेंगे, और इसमें मिनिमम भी बनाएंगे कुछ ना कुछ, कितना जो है लाना ही पड़ेगा भाषा में। क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे कि इतना होना हाँ, चाहिए क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जी। तो मान कर चलिए कि अगर जो है 200 प्रश्न रखते हैं, 80 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट के हो गए, 10 प्रश्न भाषा हिंदी, 10 प्रश्न द्वितीय भाषा इंग्लिश, तो 20 प्रश्न तो यहाँ से हो गए, 100 प्रश्न ये हो गया, उसका बच गए 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह जो भी है सारे सब्जेक्ट, वो सारे पूछे जाएंगे। तो आप जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग और साइकोलॉजी वगैरह तो उतना नहीं, लेकिन जीके जीएस ब्रॉड है। ब्रॉड है ब्रॉड आप ह्यूमनिटी के सारे सब्जेक्ट उठा लीजिए, साइंस के सारे सब्जेक्ट उठा लीजिए, तो कम से कम 20 सब्जेक्ट कम से कम होंगे। तो अब पता नहीं किससे कितना कहाँ से पूछ देंगे, तो वो सब तैयार करना होगा। सबसे खास करंट अफेयर ज़्यादा पूछते हैं। करंट वाला तो ज्यादा रहेगा। लग रहा है स्कूल में हैं आप। हाँ विद्यालय से अभी बस छूटने वाले हैं, लास्ट अच्छा, पीरियड चल रहा है।
ना बच्चों की आवाज आ रही बराबर है। अच्छा अच्छा तो तैयारी जो रहे है डेली करंट अफेयर के लिए अखबार जी। अखबार को 15-20 मिनट सुबह, फिर 15-20 मिनट उसी अखबार को शाम को पेन लेकर के अंडरलाइन करते हुए खास खास खबरों को जो है एग्जाम जी पर्पज से पढ़ाई कीजिए। और दो फायदे होंगे, एक तो करंट तैयार होगा, दूसरा जी जो भी चल रहा है विभाग में वो जी अपडेट्स आते रहते हैं आए दिन, केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, जो भी रहते हैं। बिल्कुल अब नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो है सब कुछ मान के चलिए नया ही होगा। तो उम्मीद हम करें यही मई और जो है जून तक परीक्षा लगभग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है इनको जो है नई भर्ती भी निकालनी है, और प्राइमरी की भर्ती भी निकालनी है, जूनियर की भी, गवर्नमेंट स्कूल की निकालनी है। तो ये एग्जाम जो पुराने पेंडिंग है ये तो जल्दी ही कराएंगे, ज्यादा अच्छा सर, ये इसमें। वाला जो है भी प्रोसेस इसी बीच में आ सकता है जो आप ये वर्षवार नियुक्ति की बात करते हैं। देखिए प्राइमरी में कोई भर्ती आ नहीं रही है पिछले 5-6 सालों से, जी कोई 2018-19 की आई है, और 2017 में जब शिक्षा मित्रों का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, जी तो दो ऑर्डर आए थे, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखा है गवर्नमेंट उसी के अनुसार सब कुछ कर रही है। जी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इनको दो मौके दिए जाएं, तो वो दो मौके हो गए। हाँ, हो गए पूरे तो हो गए। हाँ और उस ऑर्डर में लिखा है पुराने सारे मैटर जो है वो सॉल्व करना है, खत्म करना है। तो जब तक तो पुराने मैटर सारे सॉल्व नहीं हो जाते हैं तो नई भर्ती नहीं करना, विज्ञापन तो आ सकता है लेकिन नई भर्ती नहीं कर सकते हैं, तो विज्ञापन भी अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। नहीं दिया। हाँ तो ये मान करके चलिए कि 20,000, 25,000, 50,000 जो भी जो है सुपर टेट तो आएगा ही प्राइमरी का, साथ ही जो लाखों पद भरने की बात की जा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो वो भी काम जो है इसी 2024-25 सत्र में ही होगा। तो संभावना यही है कि जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये प्रक्रिया जो है सामने देखने को मिलेगी, जल्द ही ये शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि काफी पद खाली हैं। और अब जो है जो मानक है वो मानक जो है कड़ाई से लागू किए जाएंगे। अभी तक तो 31 मार्च 2019 तक तो छूट था, उसके बाद जो है राज्यों को दिया गया कि अपने यहाँ जो है व्यवस्था सुधार कीजिए, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिजली, पानी, ये सारी चीजें। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी सरकार ने ये सब तो कर ही लिया है मैक्सिमम, मैक्सिमम कर लिया तो यूपी सरकार तो आगे चल रही है, तो अब नेक्स्ट स्टेप भर्ती वाला ही है। तो अब ये दरअसल हम काम जल्दी से होगा। 2011 में भी टेट पास किए थे। दो अच्छा प्राइमरी, हजार हाँ जी, 2011 में हमारा प्राइमरी जूनियर दोनों निकला था। अच्छा, अरे उसके बाद में 2018 में फिर डाले थे, तो उसमें सीटेट क्वालिफाई हुआ था। बढ़िया है। तो तब से वो फिर कोई क्या कहें, चांस ही नहीं मिल पाया। हाँ, वो टेट भी एक्सपायर हो गया था, बीएड वालों को तो जी खाली की 69,000 में मौका मिला, वो भी उसमें जो है पुराने लोग कहाँ फाइट कर पाते। जी उसमें बस दो चार नंबर से रह गया, फिर अब क्या बताएं तो उसका। चलिए वो सब पुरानी बातें हो गई, वो सब मैटर खत्म हो गया है, खाली जो नेता लोग हैं वो सब जो है फालतू में पैसा वैसा लूट रहे हैं, और कुछ उसमें होना है नहीं। अब जो है गवर्नमेंट ने टेट को आजीवन इसीलिए किया है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको नए लोगों से जो है हर लेवल पर फाइट नहीं कराया जा सकता। नहीं नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। तो अरे हम लोगों को उस समय हाई स्कूल पास किए थे जब कल्याण सिंह का शासन था, उस समय तो मेरिट वगैरह भी बहुत डाउन हुआ करती थी। अरे उस समय 33% ले आते थे तो मिठाई बढ़ जाती थी, जी बिल्कुल, हाँ हो वो जाता था। जमाना था कि पास है ना, जहाँ पर जो है 7%, 10%, 12% रिजल्ट बन रहा हो वहां पर जो है 33% लाकर पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात हाँ होती थी। बहुत बहुत बड़ा। अरे हम लोग जब पास किए थे तो उस समय में लग रहा है 23 या 26% रिजल्ट आया था यूपी का। हाँ ऐसा ही था। अरे वहां तो जी उस वक्त जो रिजल्ट आते थे पता चलता था कि पूरा पूरा जो है जिला साफ है, पूरा पूरा स्कूल जी साफ है, जी फेल जी है। पूरा पूरा ऐसे हो जाता अगर अगर कोई जो है 62% 65% नंबर ले आता था तो जिले में टॉप कर जाता था। टॉप होता है। हाँ टॉप होता 70% बहुत हाई नंबर होता था। हाई नंबर। जी, हाँ सत्तर आजकल तो परसेंट बड़े देख रहे हैं मुश्किल है हम, आज। हमारे कोचिंग में जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनका भी 70+ 75+ रहता है लगभग, तो 80%। आज का तो मिनिमम क्राइटेरिया ही है 70%, उससे ऊपर ही रख रहे हैं, एकदम गए गुजरे में तब आते हैं 65% पर, जी हाँ बिल्कुल उससे एकदम नीचे गए तो गुजरे। जाते ही नहीं है। 70 एक मिनिमम क्राइटेरिया बनाकर चलते हैं, 70 से 80-85 के बीच में रखते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं 85 के ऊपर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल तो मानक ही चेंज हो गया है, नंबर अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं, फेल करना नहीं है। बिल्कुल सिस्टम बना दिए ना इस समय तो, अगर हाई स्कूल में दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसको भी पास मान लेते हैं, हिंदी छोड़ के। मतलब तो फेल बच्चों तो को फेल नहीं करना है बिल्कुल।
अभी तक तो कक्षा 8 तक था, अब इसको जो है और बढ़ाया जा रहा है, ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हैं। अब जब जो है 9th 10th 11th 12th जो है मर्ज हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, जी ये सेमेस्टर वाइज ये चलेगा, तो अब हाँ, जो है इंटर से पहले बच्चा कहीं फेल ही नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सेमेस्टर रहेगा, सेमेस्टर में बैक लगेगा, बैक लगेगा, री एग्जाम दे के फिर आगे बढ़ जाएगा। हाँ, पूरा वही जो है वो ग्रेजुएशन वाला सिस्टम कर दिए हैं पूरा आगे। तो चलिए बस तो तैयारी रखिए, दोनों चीजें हैं आपके सामने, आप अपना जो टीजी पीजी जो भी भरे हैं उसकी तैयारी कीजिए, जी और सुपर टेट भी आएगा ही, चाहे वो 25,000 आए 51,000 आए जो भी, और ये बंटवार जी वाला भी 100% होगा। इसमें बस जो भी चीजें हैं, मेन इंतजार हो रहा है बीएड का गजट, जी ये जो है गजट, उम्मीद है एनसीटी जल्दी लेके आ जाए, क्योंकि 4 साल 1 साल ये जो है नए थे ये दोनों, जी तो 4 साल का तो आ गया सब कुछ, जी और 1 साल का लखनऊ विश्वविद्यालय ने 100 पे ही दिया है एनसीटी को, उसका भी उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा, और 2 साल वाले जी का सिर्फ जो है नया सिलेबस आना है, जी तो नया सिलेबस भी लगभग तैयार ही है उसका, और एनसीटी इस पर भी काम कर ही रही है, जब भी गजट जारी हो जाए, चाहे महीना जी 2 महीना चाहे 15 दिन जो भी समय ले आ जाएगा, उसके बाद सारी चीज आगे बढ़ेंगी। बस यही सोच रहे हैं कि या तो प्राइमरी वाला हो जाता, इसमें भी एज लगभग खत्म होने वाली है, लगभग 5-6 महीने बचे हैं, या टीजीटी पीजीटी में हो जाता कहीं एक बार सिलेक्शन का। हो जाएगा 2024-25, ये जो सत्र है ना, इसमें जो है केंद्र जी सरकार अभी तो क्योंकि चुनावी माहौल है, तो बजट अभी पूरा आया नहीं है, चुनावी बजट आया है अब जो है, जी जी चाहे चुनाव बाद जब भी बजट जारी होगा, तो इसमें शिक्षा पर काफी अच्छा खासा बजट रहेगा, जी क्योंकि जो टारगेट रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसमें मूल रूप से यूपी गवर्नमेंट की बात करें, तो यूपी गवर्नमेंट जो है जो बड़ा बजट खर्च होना था फर्नीचर बिल्डिंग और जी टॉयलेट बिजली पानी या जो भी चीजें थी, उस पर बड़ा बजट खर्च होना था, और ये वन टाइम का है इन्वेस्टमेंट, ये काम जी हो गया है, और अब जो जी है टीचर शिक्षकों की भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, जी तो इस साल जो है प्राइमरी में भी जूनियर में भी टीजीटी पीजीटी एलटी जो पुराना मैटर है वो भी सॉल्व होगा, और नई भर्तियां भी तेजी से होंगी, जी चूंकि 2 साल हो गया ना इस कार्यकाल में, इनको अभी तक कुछ नया किए नहीं है, तो पेंडिंग है। हम हमारे लिए तो पर्सनल हम यही मानते हैं कि अगर ये प्राइमरी वाला हो जाता है पहले तो नहीं, बाकी तो एज खत्म हो जाएगी इसमें, बसवार नियुक्ति जो आप बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एज का फैक्टर तो नहीं रहेगा आगे, मान लीजिए नियुक्ति होती तो। इसमें विशेष तौर पे यही ध्यान दिया जा रहा है कि जो पुराने लोग हैं, कोई न कोई भर्ती में किसी न किसी कारण से, चाहे जो भी कारण बना, वंचित रह गए नियुक्ति से, जबकि उस वक्त पद खाली थे, अगर पूरे पद भरे जाते तो नियुक्ति मिल गई होती, इसी चीज को ध्यान में रखकर ही टेट को आजीवन किया गया, कि जो है पुराने लोगों को जो है मौका दे करके इनको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाए, और गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं, इसी वजह से उन्होंने जो है जो 50% वाली बाध्यता है इसके लिए भी अलग से बजट जारी किया, कि जुलाई 2011 के पहले जो लोग बीएड में एडमिशन ले लिए थे उनको 50% से छूट दे दिया गया है, तो ये सारी चीजें, पीछे का लाइफ टाइम करना, 50% छूट देना, ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि पीछे के लोगों को देना है, और जब पीछे के लोगों को देने का प्लानिंग है तो उनको भी पता है कि पीछे के लोगों की एज क्या होगी जी, बिल्कुल करेंट में, तो वो जी आपका या हमारा जो है टेंशन नहीं है, वो विभाग का जी है, उनको अच्छे से पता है क्या करना है कैसे करना है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, एज में छूट जी रहेगा, जी बस थोड़ा सा और धैर्य रखना है। अरे अब धैर्य तो रखे ही रहे, इतना एज बीत गया 2011 के बाद में, देखिए एज क्या बीत सही गया, मौके तो बहुत सारे आते गए, चाहे भले से जहां भी आए, लेकिन अब कोई हो जी। पाया कोई नहीं हो पाया, हाँ, कमी ना कमी कहीं ना कहीं कमियां हमें लोगों के अंदर थी, हाँ, सिलेक्शन नहीं ले पाए। और ये तो फैक्ट है कि 100% तो हो ही नहीं सकता कभी सबका, जी, बिल्कुल चाहे बिल्कुल वर्षवार नियुक्ति हो चाहे कोई भी हो, 100% जितने भी लोग टेट पास हैं 100% लोगों को नौकरी सरकारी ही मिल जाए, जी, ये कभी हो ही नहीं संभव नहीं, सकता, संभव नहीं। अगर मान लेते हैं कल्पना भी कर लिया जाए कि ऐसा अगर गवर्नमेंट करेगी तो सारे प्राइवेट स्कूल तो बंद पड़ जाएंगे ना, जी, बिल्कुल गवर्नमेंट से बिल्कुल ज्यादा तो प्राइवेट हैं, प्राइवेट है बहुत, गवर्नमेंट को कमाई जो है प्राइवेट से ही है, बिल्कुल बिल्कुल तो उनका भी तो ध्यान रखना है ना, जी बिल्कुल।
तो पॉजिटिव रहिए, बस इस साल हो जाएगा आपका, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अखबार जो है 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, अखबार एक या दो अखबार जरूर पढ़िए। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज से हम पेपर पर विशेष ध्यान देंगे। वैसे स्टडी शाम को करते हैं 1 घंटा सुबह से शाम तक, दरअसल 2-3 बैच सुबह कोचिंग चलाते हैं हाई स्कूल इंटर वाले, और शाम को एक बैच चलता है, तो हाई स्कूल इंटर वाले जा चुके हैं, इस समय पूरा फुर्सत मिली है, अब दिक्कत नहीं है, अच्छा, अब इसलिए वहाँ आप तैयारी पढ़ा हो। रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जी, सा अदर सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, करेंट पर फोकस कीजिए। हाँ, और बाकी चीज़ जो अपने हाथ में नहीं है वो तो वेट ही कर सकते हाँ हैं, बिल्कुल, बेटे करना है सही। तो बस पॉजिटिव रहिए और जो अपने हाथ में वो चीज़ें करते रहिए, इंटरव्यू के लिए तैयार होइए। जी ठीक है, चलिए, बहुत शोर है आपकी हाँ, तरफ। ठीक सर, सर प्रणाम सर। प्रणाम।